आए दिन देश में कोई ना कोई हड़ताल चलती ही रहती है। अभी फिलहाल न्यूज चैनलों की देखें तो ट्रक ड्राइवरों की काफी हड़ताल देखने को मिल रही है, जिसके चलते कई पेट्रोल पंपों पे भीड़ भी हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है तो पता नहीं पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल क्यों हो रही है? क्योंकि नए कानून की वजह से हो रही है, जिसमें ट्रक ड्राइवरों को ऐसा लगता है कि उनको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो। आइए समझते हैं इस कानून को बहुत ही आसान तरीके से, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किन पर लागू होता है और किन पर नहीं होता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रक ड्राइवरों या बस वालों की हड़ताल है, शायद उनके ऊपर ही लागू हुआ है, लेकिन ये सभी पे लागू होता है, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे आप कार चलाते हो या कोई प्राइवेट व्हीकल या पर्सनल व्हीकल या फिर ट्रक चलाते हो या बस चलाते हो, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट है जो सबके लिए लागू हुआ है। आईपीसी की धारा 104(2) के तहत इसको लागू किया जाएगा और इस शीतकालीन सत्र में जो है इसको पास कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है 50,000 से ज्यादा हिट एंड रन केस में जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आधी से ज्यादा मृत्यु तो इस वजह से हो जाती है कि एक्सीडेंट करके चले जाते हैं और किसी को खबर ही नहीं होती और बेचारा तड़प तड़प के वहीं पे मर जाता है। तो इस कानून को थोड़ा सा सख्त करने के लिए, क्योंकि अब अगर कानून सख्त होगा तो ही लोग जो है वहां पर रुक करके उसका इलाज करवाएंगे या फिर इन्फॉर्म करेंगे हायर अथॉरिटी को या फिर मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस थाने में या फिर किसी हॉस्पिटल में उसको रेफर करेंगे। तो इसके तहत इस कानून को थोड़ा मजबूत किया गया ताकि कि ये हर साल की जो 50,000 की मौतें हैं वो कम हो सके और हिट एंड रन केस में लोगों को हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके। लेकिन इस उनको जो है थोड़ा उल्टा ले लिया गया है, क्योंकि ये कानून तो जो है मोटरसाइकिल वालों पे भी लागू होता है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर यानी टेम्पो वगैरह पे भी लागू होता है, बस पे भी होता है, वैन पे भी होता है, ट्रक पे भी होता है, सभी पे होता है। लेकिन अब इसकी जो हड़ताल है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर और बस वाले, यही देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो है ज्यादातर एक्सीडेंट ट्रक वालों की वजह से होती है और मौत भी ट्रक वालों की वजह से होती है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या, हाईवे पे ट्रक चलते हैं और टू व्हीलर वाले या थ्री व्हीलर वाले या फिर नियरेस्ट जो गांव वाले होते हैं उनके बच्चे बाइक लेके या फिर कुछ भी लेके निकल लेते हैं रोड पे, ट्रक अपनी स्पीड में आता रहता है तो वो हिट एंड रन केस हो जाता है, जिसमें ट्रक वाला रुकता भी नहीं है क्योंकि वो भीड़ का शिकार हो सकता है, उसको ऐसा लगता है। तो इसका भी गवर्नमेंट ने जो है प्रावधान करावा है मॉब लिंचिंग के तहत, उसका किया जाएगा। तो अपन शुरू से सुनते हैं, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से ये कानून बनाया गया है, पहले कौन कौन सी धाराएं लगती थी, अब इसमें क्या कर दिया गया है, और इस सजा को भी थोड़ा कम भी किया जा सकता है और इसमें राहत भी मिलेगी और ट्रक ड्राइवर वगैरह या फिर कोई भी बंदा जो हिट एंड रन केस होगा उसके अंदर भी रिलीफ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सबको 10 साल की सजा होगी, तो इसको डिटेल से जानते हैं अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं कि हर साल जैसे 50,000 लोगों की मृत्यु होती है हिट एंड रन केस में, उसके तहत अब नए कानून में जो है ना, एक नया कानून जो बना है 104(2) धारा, इसका कहना क्या है कि हिट एंड रन केस में अब आपको जो है, मैं एक बार है ना अच्छे से क्लियर होता हूँ, संशोधन के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन केस की घटना के बाद यदि कोई अपराधी घटना स्थल से भाग जाता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है और जुर्माने में 7 लाख रुपए तक का देना पड़ सकता है, ये नए कानून के तहत है। लेकिन इसके अंदर क्या रिलीफ है या फिर इसके अंदर क्या क्या बातें हैं जो अपन और क्लियर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ट्रक ड्राइवर वाले जो है ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट लिखे। तो इसमें जो है ट्रक ड्राइवरों का कहना क्या है कि सर्दियाँ चल रही है और कोहरे की वजह से भी कहीं ना कहीं हिट एंड रन के केस हो सकते हैं, यानी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी तो वही कर रही है कि जो कोहरे की वजह से या किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया है तो उसको हेल्प मिलनी चाहिए, उसको मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए या फिर उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट ये है। दूसरा तरक ये है कि ट्रक ड्राइवरों का कहना ये है कि अगर वो रुके किसी की हेल्प करने के लिए और आसपास गांव वाले या फिर हाईवे पे जो लोग रहते हैं उन्होंने पकड़ के उसको पीट दिया या मौत के घाट उतार दिया तो उसके परिवार का और उसके बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए भी जो है मॉब ब्लीचिंग की धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मॉब ब्लीचिंग क्या होती है? यानी कि अनियंत्रित भीड़ कानून को अपने हाथों में लेकर के किसी को किसी भ्रामक स्थिति में या फिर अनजाने में या फिर जानबूझकर किसी को दोषी ठहरा करके उसको मौत के घाट उतार देना, घायल कर देना, इस तरह की अगर हरकत भीड़ करती है तो उसमें उन दोषी जो जो लोग होंगे भीड़ के अंदर उन लोगों को फांसी की सजा तक हो सकती है मॉब ब्लीचिंग की केस के तहत। अब बात ये करते हैं कि अभी तक कानून में क्या था और अब क्यों चेंज कर दिया गया है। तो अभी तक कानून के अंदर जो है 279 धारा यानी कि लापरवाही से वाहन चलाना, इसमें क्या आता है 279 में देखो क्या आता है कि सार्वजनिक जगह पर जानबूझकर या असावधानी से असुरक्षित वाहन चलाकर दूसरों का जीवन खतरे में डालना, घायल करने के कृत्य इस धारा में आते हैं। तो अपराध साबित होने पर अधिकतम 3 महीने की सजा और 1,000 रुपये तक जुर्माना इसमें लगाया जाता था, यानी घायल करने की स्थिति तक। और दूसरा कानून क्या था इसके अंदर, दूसरी धारा जो थी वो थी 304A यानी लापरवाही के कारण मौत हो जाना किसी की,
इसकी भी डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको। 304A ये किसी पर तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा उतावलेपन में या उपेक्षापूर्ण तरीके से किसी ऐसे कार्य से हत्या हो जाए जिसका उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, यानी कि पहले एक्सीडेंट होते ही थे कि कोई गया और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, ठीक है, तो उसमें ये होती थी। तो इस धारा के तहत जो है उसको 2 साल तक की मैक्सिमम सजा मिलती थी और इस तरह से उसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान था। और एक और धारा लगती थी इसके अंदर 338, जान जोखिम में डालना। 338 कोई भी व्यक्ति को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से ऐसे कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, गंभीर चोट पहुंचना हो, ऐसा कार्य तो उसमें या फिर उसे किसी एक अवधि के लिए कार्यवास में डालना है, 2 वर्ष की सजा तक बढ़ाया जा सकता था और 1,000 रुपये से उसका जुर्माना भी किया जा सकता था। यानी स्टेंट वगैरह करते थे, जानबूझ कर इधर उधर बाइक चलाते थे, उठपटांग, तो वो इस धारा के तहत उनको दिया जाता था, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि ये धाराएं थोड़ी कम थी, अब इसमें नया कानून क्या कर दिया गया है कि इसमें नया कानून ये कर दिया गया है कि 104-2 इसको अभी शीतकालीन सत्र में लागू कर दिया, मतलब शीतकालीन सत्र में पास कर दिया और इसको लागू करने के प्रोसेस को आया है, तभी से ये हड़ताल शुरू हुई है। तो इसमें क्या कर दिया गया है, 104-2 के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद यदि कोई व्यक्ति घटनास्थल से भाग जाता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना, जैसा कि न्यूज में बताया गया है, का प्रावधान किया गया है। अब ट्रक ड्राइवर ऐसा बोल रहे हैं कि 7 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे अगर एक्सीडेंट हो गया है या कर गया है, और अगर हम 10 साल तक की सजा भुगतेंगे तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा, ऐसा उनका कहना है जिसके तहत वो हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके सोल्यूशन निकाल रखे हैं क्योंकि हर साल 50,000 तक लोगों की हिट एंड रन के केस में मौत हो जाती है, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर ये कानून लागू होगा तो इसमें दोषी होने पर ही सजा और जुर्माना देना पड़ेगा हर किसी को, तो जरूरी नहीं है आप ही दोषी हो, भाई बाइक वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, वो अपने सही तरीके से अगर चला रहा है और अगर सामने वाले की गलती है तो उस पर लागू होगा इस कानून का, मतलब ये है दोषी पर लागू होगा, कौन दोषी है, ऐसा थोड़ी है कि अब ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं या बाइक वाले, वो ऐसा समझे कि मैं ही दोषी, वो दोषी नहीं है, जिस पे दोष साबित होगा उसकी सजा और उसको देना पड़ेगा। अब इसमें ये आगे भी है कि ये कानून का तो आपको पता चल गया है ना, अब इसमें आगे कुछ पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हिट एंड रन केस में सजा हो सकती है कम। भाई बात ये आती है कि अगर हिट एंड रन केस में सजा कम हो सकती है क्या, अब यहाँ पर है, अगर आपकी गलती है और आप मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हो, कोई भी व्हीकल हो आपके पास में, कार हो, ट्रक हो, बस हो, बाइक हो, आपकी गलती नहीं है और या फिर आपकी गलती है और आप वहाँ रुक करके और घायल को जो है या तो पुलिस में इन्फॉर्म करते हो या हॉस्पिटल में भर्ती कराते हो या वहाँ रुकते हो और फिर मजिस्ट्रेट या पुलिस वाले जो देख करके उसको कि ये देखते हैं कि हाँ इसकी हालत में सुधार हुआ है और गलती होने के बावजूद आपने उसकी सहायता करी है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अस्पताल पुलिस के समक्ष पेश होता है तो घायल व्यक्ति की अवस्था को देखकर उसकी सजा में नरमी बरती जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मनीष दुबे ने बताया कि परिस्थितियों को देखकर अदालत ड्राइवर की सजा में नरमी बरत सकती है अगर व्यक्ति ज़्यादा घायल नहीं है, आमतौर पर पुलिस स्टेशन पर ही घायल व्यक्ति की स्थिति देखकर टक्कर मारने वाले ड्राइवर के सजा का आकलन किया जा सकता है और यह अधिकार संबंधित पुलिस थाने के मौजूदा जांच अधिकारी पर निर्भर करता है, यानी कि आपकी सजा को कम किया जा सकता है, आपको छोड़ा भी जा सकता है और उस मरीज को अगर हल्की फुल्की चोट वगैरह आई है तो आप फ्री भी हो सकते हो वहां से, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। और अब इसमें अगर कोई व्यक्ति है और मैंने बता ही दिया दूसरा कि अगर आपकी गलती नहीं है और फिर भी आप हेल्प करते हो तो आप बिल्कुल उसमें आपको सजा का या फिर आपको रिलीफ मिल सकती है, जिसकी गलती होगी ना उसको 10 साल तक की सजा है, 10 साल की नहीं, 10 साल तक की, उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, साल, 2 साल, कितनी भी सजा हो सकती है, और 7 लाख तक का, पूरा 7 लाख नहीं है। अब ये पैसा किसको ट्रांसफर होगा अगर सजा होती है या फिर किसी दोषी को सजा हो जाती है, और तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एक्सीडेंट होता है और कोई घायल होता है तो नए कानून के तहत क्रिमिनल कोर्ट के अपराध साबित होने पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना दूसरी पार्टी को दिया जाएगा, जो यहाँ से जो जुर्माना मिलेगा अपराधी के रूप में वो जुर्माना दूसरी पार्टी को, यानी जो एक्सीडेंट हुआ है या उसके घर वालों को या उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो पीड़ित पक्ष है, और दूसरा अगर उसने इंश्योरेंस भी करवा रखा है तो उसका भी पैसा मिलेगा उसको, एमएसीटी कोर्ट से भी घायल शख्स को इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा पाने का हकदार रहेगा।
और अगर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी जेब से जो पैसा दे रहा है वो उसके पास में जाएगा और इंश्योरेंस से भी पैसा ले सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ट्रक ड्राइवर अगर रुकता है या फिर बस वाले रुकते हैं और भीड़ उसको मारती है तो मॉब ब्लिचिंग के तहत उस भीड़ को जो भी शख्स उसमें दोषी होंगे 2, 3, 4, 5 उन सबको यहाँ पर बताया गया है कि मॉब ब्लिचिंग। अगर हिट एंड रन के मामले में ट्रक ड्राइवरों की यह दलील है कि अगर वह एक्सीडेंट के बाद घायल शख्स की मदद करने की कोशिश करे और आक्रोश भीड़ उन्हें पीट सकती है, ऐसे में नए कानून के मुताबिक अगर आम जनता ऐसा करती है तो उसे खिलाफ मॉब लिंचिंग का केस दर्ज किया जा सकता है जिसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान होता है। तो मतलब कि दोनों साइड से बेनिफिट है यहाँ पर। नए कानून में 50,000 तक की जो मौतें होती है हर साल उसमें सुधार हो सकता है और लोगों में एक भावना भी आएगी कि हेल्प करने की, किसी को एक्सीडेंट हो गया तो पहले क्या छोड़ के भाग जाते थे, अब कानून के डर से हम लोगों की हेल्प की जाएगी तो उस घायल व्यक्ति को जो है टाइम पर ही एक फर्स्ट एड या फिर कुछ उपचार मिल सकता है जिससे कि उसकी जान बचने और उसकी स्थिति में सुधार होने तक के लाभ यहाँ पर मिलेंगे। तो इस वजह से जो है व्यक्ति को हेल्प मिलेगी तो इस जो मृत्यु दर है 50,000 तक की हर साल की उसमें घटाव होगा, लोगों में एक भावना भी आएगी चाहे वो कानून से आए या वैसे आए कि हेल्प करनी है किसी का हुआ है। तो यहाँ पर दोनों साइड से है, लेकिन आप ये समझें कि ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है सभी के लिए है। टू व्हीलर बाइक वाला हो, थ्री व्हीलर टेम्पो वाला हो, या फिर कोई वैन हो, कार हो, पर्सनल कार हो, ये ट्रक हो, बस हो, सबके लिए कानून बना है। तो सबको अब अच्छे से केयर से व्हीकल चलाएं और आप कोशिश करें कि आपकी गलती ना हो, ताकि आप इस कानून के अंदर ना आए, आप दूसरे पक्ष में आए कि आपकी गलती नहीं होने के बावजूद कोई बंदा जानबूझकर आया है तो उस केस में आपको थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। तो केयरफुली चलाएं और अगर हिट एंड रन केस होता है तो आप नियरेस्ट पुलिस थाने पर या फिर आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को जो है कोशिश करें कि हेल्प करने की और उसको जो है वहीं पर अच्छे से, अगर व्यक्ति अच्छा हुआ तो और कम लगी हो तो हो सकता है आप वहीं फ्री हो जाओ, और अगर ज़्यादा लगी हो तो पुलिस आने तक या उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा करके अपनी आईडी वगैरह दे करके आप जा सकते हैं। इस तरह का अगर आप करते हो तो आपको कानून में हेल्प मिलेगी और आपकी सजा या जुर्माने में थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हो सकता है। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब ही क्या होता है कि अचानक से होने वाली, कोई भी जानबूझकर ना करना उसको एक्सीडेंट बोला जाता है, लेकिन हो जाए तो क्या है, वो कानून बन गया है। तो आई होप कि आपको कानून अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें तो हो सकता है कुछ जवाब मैं दे दूँ, और जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है उसी के तहत मैंने ये आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपनों के बीच में, अवेयरनेस फैलाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टेक उपदेश चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।